नमस्कार दोस्तों दोस्तों इस पोस्ट में शेयर करेंगे महामृत्युंजय मंत्र संपूर्ण और उसका अर्थ और हिंदी में सरल अनुवाद और जाप करने की विधि। महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद से लेकर यजुर्वेद तक में मिलता है, वहीं शिव पुराण सहित अन्य धर्म ग्रंथों में इसका महत्व बताया गया है। संस्कृत में महामृत्युंजय उस व्यक्ति को कहते हैं जो मृत्यु को जीतने वाला हो। इसीलिए भगवान शिव की स्तुति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जाता है। इसके जप से संसार के सभी तरह के कष्ट से मुक्ति मिलती है। ये मंत्र जीवन देने वाला है। मरते हुए व्यक्ति के लिए भी इसका जप किया जाता है। इससे जीवनी शक्ति बढ़ती ही है, साथ ही सकारात्मकता भी बढ़ती है। महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से हर तरह के डर से छुटकारा मिलता है। और अब जानते हैं इस मंत्र को। मंत्र है ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिबंधनान् मृत्युमामृतातः। ये महामृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र के शब्दों का अर्थ इस प्रकार से है। त्र्यंबकम् का अर्थ है त्रिनेत्रों वाला, कर्म कारक यजामहे इसका अर्थ है हम पूजते हैं, सम्मान करते हैं, हमारे श्रद्धे। सुगंधिम का अर्थ है मीठी महक वाला, सुगंधित। पुष्टि का अर्थ है एक सुपोषित स्थिति, फलने वाला व्यक्ति, जीवन की परिपूर्णता। वर्धनम का अर्थ है वो जो पोषण करता है, शक्ति देता है। उर्वारक का अर्थ है ककड़ी, इवित्र जैसे इस तरह, बंध नात्र वास्तव में समाप्ति से अधिक लंबी है। मृत्यु मृत्यु से मुछिया हमें स्वतंत्र कर दे, मुक्ति दे। मात्र न अमृत तास अमरता मोच। महामृत्युंजय मंत्र के शब्दों के अर्थ थे और महामृत्युंजय मंत्र का सरल हिंदी अनुवाद इस प्रकार से है। इस मंत्र का मतलब है कि हम भगवान शिव की पूजा करते हैं जिनके तीन नेत्र हैं, जो हर श्वास में जीवन शक्ति का संचार करते हैं और पूरे जगत का पालन पोषण करते हैं। ये इसका हिंदी अनुवाद है। और आप जानते हैं इस मंत्र को जप करने की सही विधि क्या है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप रोजाना सुबह 4 बजे या ऑफिस जाने से पहले करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ये मंत्र नकारात्मकता को दूर करने में मदद करता है। शिव पुराण के अनुसार इस मंत्र का 108 बार जाप करने से व्यक्ति को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। महामृत्युंजय मंत्र को जाप करते समय ये सावधानियां करना बहुत ही जरूरी है। इस मंत्र को जपने की कई सावधानियां और नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करके अगर महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाए तो ये ज़्यादा प्रभावशाली होता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप सुबह और शाम दोनों समय किया जा सकता है। अगर कोई संकट की स्थिति है तो इस मंत्र का जाप कभी भी किया जा सकता है। इस मंत्र का जाप शिवलिंग के सामने या भगवान शिव की मूर्ति के सामने करना ज़्यादा बेहतर होता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए। ऐसा करना शुभ माना जाता है। मंत्र का जाप करने से पहले भगवान शिव को
जल और बेलपत्र अर्पित करें और फिर मंत्र का जाप करें। ऐसा करना ज़्यादा उत्तम होता है। महामृत्युंजय मंत्र संपूर्ण इस प्रकार से है। इसका दो हिस्सों में जप किया जाता है। पहला तो वो जो अभी आपने पढ़ा महामृत्युंजय मंत्र, और ये संपूर्ण महामृत्युंजय मंत्र है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे आप पढ़ सकते हैं। और अब जानते हैं लघु महामृत्युंजय मंत्र। लघु मृत्युंजय मंत्र ये है, ओम जुम सा माम पलाय पलाय सह जुम ओम। और अब जान लेते हैं महामृत्युंजय मंत्र की शुरुआत कब करनी चाहिए और कितनी बार मंत्र का जप किस काम के लिए करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपको 125,000 बार करना चाहिए। वहीं भोलेनाथ के लघु मृत्युंजय मंत्र का जाप 1,100,000 बार किया जाता है। सावन माह में इस मंत्र का जाप अत्यंत ही कल्याणकारी माना जाता है। वैसे आप यदि अन्य माह में इस मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो सोमवार के दिन से इसका प्रारंभ करना चाहिए। इस मंत्र के जाप में रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। इस बात का ध्यान रखें, दोपहर 12 बजे के बाद महामृत्युंजय मंत्र का जाप ना करें। मंत्र का जाप पूर्ण होने के बाद हवन करना उत्तम माना जाता है। और महामृत्युंजय मंत्र के फायदे हैं और किसके लिए कितना जप करें। भय से छुटकारा मिलता है और भय से छुटकारा पाने के लिए 11,000 बार मंत्र का जाप करना चाहिए। और वहीं रोगों से मुक्ति मिलती है और रोगों से मुक्ति के लिए 11,000 बार मंत्रों का जाप करना चाहिए। पुत्र की प्राप्ति, जीवन में उन्नति और अकाल मृत्यु से बचने के लिए 125,000 की संख्या में मंत्र जप करना शुभ माना गया है। अगर आप इतनी संख्या में इसका जाप नहीं कर सकते तो कम से कम आप 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही चमत्कारिक रूप से ये मंत्र फायदा करता है। इसका मंत्र जरूर करना चाहिए। और हमें इस पोस्ट से अब आज्ञा दीजिए, आपसे शीघ्र मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा